अब मैं श्री विवेक त्रिवेदी जी से आग्रह करूंगा कि वह पारित की गई है उसे महामहिम जी को भेंट कर संक्षिप्त में अवगत करवाएं। उसमें भी मैं नामित हो गया था। जैसा अच्छा निखरता है वैसा परिवार अच्छा बनता है। ऐसे ही सारे देश के युवा अगर ठीक दिशा में जाएंगे, सोशलिस्ट फिट उनमें आएगी, समाज की समस्याओं का निराकरण करने की इच्छा उनके मन में खुद जगेगी, तो समाज हमारा बहुत अच्छा बन सकता है। जलवायु परिवर्तन पे, क्योंकि हमने इस बार का थीम प्रमोटिंग ब्रह्मांड में परिवर्तन तो है प्रकृति का, परिवर्तन पराकाष्ठा है जलवायु परिवर्तन की। अचानक ही जिसने विश्व दृष्टि परावर्तित कर दी सभी की, कब जब धरा के वक्ष को चीरती दरारें, सूखते पोखर, शहरीकरण का अंतहीन विस्तार, पेड़ पौधों की निर्जीवता, निर्जल वन, अतीत बावड़ियों का, गरीबी, विस्थापन और आर्थिक शोषण, क्षरण, कटान पहाड़ियों में, नदियों का रास्ते बदलना, बांधों में कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। समाज सेवा को लेकर के वर्ल्ड सोशल वर्क डे मार्च के तीसरे मंगलवार को आता है। आज तीसरा मंगलवार है और इसलिए वो दिवस आज ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर जो यूनाइटेड नेशंस की शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था यूनेस्को, उसकी आज 70वीं एनिवर्सरी है। आज से एक नई संस्था जिसका जन्म 2014 में हुआ है, श्री विवेक त्रिवेदी जी ने उसका प्रारंभ किया है, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स।
वो सोशल वर्क डे का जो पूरा सप्ताह का कार्यक्रम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। चंडीगढ़ में 22 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पब्लिक अवेयरनेस, सामाजिक कार्य के लिए जनता में एक जनमत तैयार करने का प्रयास करेंगे। 21वीं शताब्दी में देश के लिए सोशल प्रॉब्लम्स के निराकरण के लिए ये महत्वपूर्ण काम है। इस सप्ताह का प्रारंभ चूक आज के दिन से हो रहा है, तो आज ये संस्था जो एसोसिएशन ऑफ सोशल प्रोफेशनल वर्कर्स एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स है, उनके पदाधिकारीगण प्रमुख सभी हरियाणा राजभवन में आज आए हैं। हमारी उनसे मुलाकात हुई है। आज का शुभारंभ मेरे मुख्य आतिथ्य में यहाँ पर हुआ है। इस संस्था को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं इस अवसर पर यह अपील भी करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार, केंद्र की सरकार, सभी सामाजिक संस्थाएं इस विषय को लेकर के आगे आएं। देश की तरक्की में, देश के उत्थान में इसका बहुत बड़ा महत्व है और बहुत अच्छे काम इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। व्यक्ति के अंदर भी सोशल वर्क के लिए अगर वो काम करेगा तो एक सामाजिक परिवर्तन आएगा, समाज के लिए समर्पित होकर के काम करेगा, और इसके माध्यम से व्यक्ति के मन में भी जो कई तरह की विकृतियाँ पैदा होती हैं वो भी दूर हो सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्व समाज कार्य दिवस के अवसर पर हमने कार्यक्रम का शुभारंभ श्री महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी के करकमलों के द्वारा शुरू कराया हुआ है। आज के इस अवसर पर समाज कार्य के लिए एक स्पेशल कवर जो पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ मिलके उनको जारी किया गया है और पहली प्रति महामहिम जी को दी गई है। और इसके साथ ही आज के इस अवसर पर यूनेस्को का जो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूथ स्टेटमेंट है उसको महामहिम जी को शेयर किया गया और उनको प्रेजेंट किया गया, जिससे कि जो भी राज्य उनके प्रतिनिधित्व में आते हैं उन क्षेत्रों में उसका जो है क्रियान्वयन हो सके। और हमारे जो एसोसिएशन है उसकी जो वेबसाइट पोर्टल है उसका भी आज एक उन्हीं के करकमलों द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे आने वाले सप्ताह में हमारी विभिन्न योजनाएं हैं और काफ़ी सारी गतिविधियां हैं, जैसे कल जो है एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर टॉक है, एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, उसके बाद हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट में इनिशिएटिव्स रहेगा गरीबों के लिए बीच में काम करना और उनको बताना कि इग्नू और शिक्षा के माध्यम से कैसे सोशल वर्क में वो अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इसके अलावा समापन के दौर में हम एक दो दिवसीय कार्यशाला करेंगे जिसमें सोशल वर्क प्रोफेशन को कैसे विकसित किया जाए उसके ऊपर चर्चाएँ और विभिन्न विभिन्न कार्यशालाएँ होंगी। थैंक यू।